दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में नशा मुक्त भारत पखवाड़े की शुरुआत की। 17 जून से इस पखवाड़े का पहला कार्यक्रम आउटर नॉर्थ जिला दिल्ली पुलिस द्वारा नरेला के रामदेव चौक पर किया गया, जहां पर नुक्कड़ नाटक, दौड़ और दिल्ली पुलिस के बैंड ने परफॉर्मेंस दी। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने वहां उपस्थित लोगों और युवाओं को नशे से दूर रहने की शपथ दिलवाई और इस शपथ में नशीली दवाओं से दूर रहने और लोगों को जागरूक करने के बारे में यह शपथ दिलवाई गई। हमारे देश में विशेष रूप से युवाओं के बीच नशीली दवाओं का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है और ये चिंता का विषय है। हम शपथ लेते हैं कि हम नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम में सहयोग करेंगे। हम यह वचन देते हैं कि किसी भी प्रयोजन के लिए किसी भी प्रकार से हानिकारक अथवा अवैध पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। हम प्रत्येक व्यक्ति विशेषतः युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों के संबंध में जागरूकता पैदा करेंगे, ताकि भारत का युवा वर्ग नशा मुक्त जीवन यापन कर सके और वे समाज के रचनात्मक एवं महत्वपूर्ण सदस्य बन सकें। आज हम प्रतिज्ञा करते हैं कि नशे से दूर रहेंगे और स्वस्थ जीवन यापन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।